आपको देख के ध्यान आ जाता है। तो ध्यान दो किसी भी चीज में, चाहे अम्ल में, चाहे क्षार में, चाहे जल में, किसी में भी बोल दो ये विलय होंगे। दूसरी बात, इनका गलनांक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है इनका गलनांक बहुत ज्यादा, अभी अपन देखेंगे। क्योंकि इनमें ध्रुवता पाई जाती है। कैसी ध्रुवता, वो देखो क्या होता है अमीनो अम्ल, यही होता है। ये अमीनो लगा दिया मैंने, यहाँ कोई भी समूह लगा दो, आर लगा दो या कोई एच लगा दो, और ये लगा दिया मैंने एमिनो, ये लगा दिया अम्ल। होता क्या है बेटा, एमिनो समूह की जो प्रकृति है, एमिनो समूह की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। अम्लीय मतलब ये क्या करेगा, इधर से आ जा। अरे तुम आज बीच में कहाँ बैठ गए बताओ, कोई लाइन नहीं लगा कुछ, अभी आने का रास्ता ही तुमने बंद कर दिया। उधर लाइन से बैठते हुए किधर से जाएगा, जाए इधर से जाओ। देखो ध्यान दो, अम्लीय समूह की प्रकृति, इसका कार्य होता है हाइड्रोजन का दान करना। ये इसका कार्य होता है वो हाइड्रोजन को ग्रहण करना। क्यों ग्रहण करता है, क्योंकि इसके पास एक क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है। आगे बात अच्छे से समझ में, तो देखो ध्यान दो, जब दोनों ने अपने अपने कार्य किए, इसने हाइड्रोजन का दान कर दिया, तो इधर तो रह गया ओ, के पास इलेक्ट्रॉन हो गए छह, आ गया नेगेटिव चार्ज, छह और एक बंधा हो गए सात इलेक्ट्रॉन। उधर इसके पास एक लोन पेयर था, उस H प्लस को ये ट्रेड करेगा, इधर हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, समझ गए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि संयोजकता ज्यादा हो जाएगी। ये हो गया NH3, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, आ गई ध्रुवता, इधर धनायन हो गया उधर ऋणायन। इसी ध्रुवीय संरचना को अपन ज्विटर आयन कहते हैं। आइए बात ढंग से समझ में, ये जो संरचना तुमने बनाई है ये क्या है, ये ज्विटर आयन है। और इस ज्विटर आयन की वजह से जितने भी अमीनो अम्ल होंगे वो ज्विटर आयन के रूप में पाए जाएंगे। जितने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ उदासीन अमीनो अम्ल। अम्लीय वाले में तो होगा एक अम्लीय समूह, कैसे होगा, समझ में आ रही है बात। जो उदासीन अमीनो अम्ल होंगे जिनमें एक अमीनो समूह और एक अम्लीय समूह होगा, उसमें ज्विटर आयन का रूप होगा सदैव। क्योंकि एक की प्रकृति अम्ल बनाने की, एक अम्लीय प्रकृति का, दूसरा क्षारीय प्रकृति का। एक हाइड्रोजन का दान करेगा तो दूसरा ग्रहण कर लेगा, इस वजह से हमेशा ध्रुवीय रूप में रहेंगे। इसी ध्रुवीय संरचना को ज्विटर आयन कहते हैं। और हमें पता है अच्छे से, जब ध्रुवता आ चुकी है तो एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो गलनांक बंधनांक के मानों में क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे बात अच्छे समझ, ध्रुवता है इसी कारण जल में भी क्या होगा, विलय होगा। क्योंकि जल भी ध्रुवीय होता है, ये भी ध्रुवीय है, समान समान को घोल देगा। आगे बात अच्छे समझ में, ये हो गया ज्विटर आयन। इसमें दो ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो महत्वपूर्ण तुम पढ़ रहे हो, एक तो ज्विटर आयन दिख रहा है, एक तो ज्विटर आयन, और दूसरा एक पॉइंट और है समविभव बिंदु, दिख रहा है समविभव बिंदु, आ जा इधर से जा। और बीच में मत बैठा करो भाई, एक लाइन खाली छोड़ दिया करो, नहीं वायर वायर तोड़ देंगे, इधर से आएंगे। आप देखो समविभव बिंदु का मतलब नाम से ही पता चल रहा है वैसे, क्या होता है, ध्यान देंगे समविभव बिंदु। अपन ने क्या किया, एमिनो में लिए और उसको मिला दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान दो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तीसरा लेसन पढ़ा दिया ना सर ने, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अरे कुछ ऐसे पढ़ना लिखना भी आता है कि ऐसे सारे डकोर हो बिल्कुल, तीसरा लेसन नहीं पढ़ा है चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे मैंने मान लो इसमें NaCl डाल दिया, मैंने कह दिया ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब विद्युत अपघट्य विलयन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब विद्युत अपघट्य विलयन। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको यदि तुम विद्युत के संपर्क में लाओ तो वो आयनों में टूट जाए, उसको अपन बोलेंगे विद्युत अपघट्य विलयन। अपन उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रोड लगाएंगे एनोड कैथोड, तो वो आयनों में विभाजित हो जाएगा। जैसे ये Na+ में Cl- टूट जाएगा, H2O ले लो, NaCl ले लो, KOH ले लो, NaOH ले लो, कोई सा भी ऐसा विलयन बनाए अपन जो कि आयनों में टूटता है, उसी को अपन विद्युत अपघट्य विलयन, समझ गए। अरे आने के बाद में बैठ जाएगा, चांस अगर मिले
नीचे ढूंढ हो रहा है आप देखो। तो एमिनो अम्ल को अपन ने क्या किया, अपन ने एमिनो अम्ल को किसी भी विद्युत अपघटन के मिलियन में डाल दिया, डाल करके यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिए। इधर हमेशा एनोड होता है, इधर हमेशा कैथोड। तुमने चैप्टर कार्ड में पढ़ी भी है छोटी छोटी चीजें, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड बनता है। जैसे आपने एमिनो अम्ल पिलाया विद्युत अपघटन के मिलियन में और धारा का प्रवाह किया तो होगा क्या, ध्यान दो, एक ऐसा बिंदु आएगा जिस बिंदु पर एमिनो अम्ल का गमन किसी भी इलेक्ट्रोड के ओर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, किसी भी समविभव बिंदु, किसी भी एमिनो अम्ल का वह बिंदु होता है, पीएच का वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर एमिनो अम्ल का गमन किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं होता, ना एनोड की ओर जाएंगे ना कैथोड की ओर जाएंगे, उसी बिंदु को अपन समविभव बिंदु बोलते हैं। आई बात अच्छे से समझ में, ठीक है, समझ गए समविभव बिंदु का मतलब। जब एमिनो अम्ल को अपन विद्युत अपघट्य मिलियन में मिलाएंगे और धारा का प्रवाह करेंगे तो एक ऐसा बिंदु हमें मिलेगा जिस बिंदु पर एमिनो अम्ल का गमन एनोड और कैथोड की ओर बंद हो जाएगा, उसी बिंदु को समविभव बिंदु, ठीक है। तो जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं ना वो सारे समविभव बिंदु दर्शाते हैं। आ गई बात अच्छे समझ में। और देखो महत्वपूर्ण भौतिक गुण में तीन बातें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, समविभव बिंदु, ज्विटर आयन और थर्ड प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे, जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं उन सबके पास में किरेल कार्बन होता है। देखा है तुमने किरेल कार्बन का मतलब क्या होता है, वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह जुड़ा हुआ हो, ए बी सी डी चारों अलग अलग समूह होना चाहिए कार्बन की चारों संयोजकता पे, उसी को अपन किरेल कार्बन कहते हैं। अपन ने जो एमिनो अम्ल देखे है उसमें एक तरफ तो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, समझ गए, एक तरफ कार्बन के साथ होता है एमिनो, एक तरफ अपन हाइड्रोजन लगाते हैं, बचे हुए पे लगाते हैं अपन आर, आर बराबर कोई हो गई, चारों संयोजकता है अलग अलग। तो एमिनो अम्ल जो होते हैं उनमें किरेल कार्बन पाया जाता है, इस कारण एमिनो अम्ल प्रकाशिक क्या होंगे, सक्रिय होंगे। पढ़िए समावयता प्रकाशिक सक्रिय का मतलब, इनके एमिनो अम्ल जब अपन बनाएंगे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे। समझ में आ रही है बात, जो एक दूसरे पे क्या नहीं हो सकते, अध्यारोपण नहीं हो सकते, ठीक है। प्रकाशिक समावयता दर्शाने की सबसे आवश्यक शर्त होती है यौगिक में किरेल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक अपवाद भी है, ऐसा एमिनो अम्ल जो कि प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता वो है ग्लाइसिन। क्यों, क्योंकि उसमें यहाँ भी क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन होती है, तो ये किरेल कार्बन है क्या, नहीं है। किरेल कार्बन भी नहीं है तो प्रकाशिक सक्रियता भी नहीं दर्शाएगा। समझ में आ गई सारी बातें, ये बेटा एमिनो अम्ल के गुण कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट ध्यान दो, अब आ जाता है अपने पेप्टाइड। पेप्टाइड समझा दूं तुम्हें पहले, पेप्टाइड क्या होता है, बहुत ही सरल है, देखो अभी बन जाता है पेप्टाइड। जैसे तुम्हें मैंने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो जब तुम स्टार्च बना रहे थे दो ग्लूकोज की इकाइयों को तुम किस कौन से बंध से जोड़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट में तुमने ग्लाइकोसिडिक बंध पढ़ा, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जब अपन पेप्टाइड पॉली बना रहे थे तुम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जोड़ा। यहाँ पर जब अपन एमिनो अम्ल को एक एमिनो अम्ल को दूसरे से जोड़ेंगे तो अपन कौन से बंध से जोड़ेंगे वो ध्यान दो, कौन सा बंध बनेगा। देखो इधर तो होता है NH2, यहाँ पर कार्बन, इधर होता है C डबल बॉन्ड OH, बाकी R और H जो भी लगा के, प्लस ये मैंने ले लिया दूसरा NH2, दूसरा एमिनो अम्ल, ये रहा कार्बन और ये रहा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ हो गया R, यहाँ हो गया H, ध्यान दो, ये देखिए दिख रहा है दोनों के बीच में से H2 बाहर जाता हो, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो OH और NH2 का क्या बाहर जाएगा, H, यहाँ से चला गया H2 बाहर, क्या बचा तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O, इधर रह गया CH, यहाँ R, इधर NH2 और ये आ गया तुम्हारे पास NH और ये R और ये H और ये बाकी बचा हुआ भाग जो, ये देख रहे हैं CONH, CONH को बेटा अपन क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंद। आगे बात अच्छे से समझ में, दो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो बताओ कितने पेप्टाइड बंद बनते हैं, 8।
जब तुम तीन एमिनो अम्ल को जोड़ोगे तो कितने पेप्टाइड बंद बनेंगे? दो। समझ में आ रही है बात? तो उससे अपन कह देंगे डाई पेप्टाइड। आ रही है बात अच्छे से समझ में? ये चीज ध्यान रखे, जितने एमिनो अम्ल जुड़ेंगे उनसे पेप्टाइड बंद की संख्या हमेशा कितनी होगी? एन माइनस एक होगी। जैसे 10 एमिनो अम्ल जोड़ोगे तो पेप्टाइड बंद कितने बनेंगे? 9। आ रही है बात अच्छे से समझ में? ये ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे ही करके जब बहुत सारे एमिनो अम्ल जोड़ देंगे, जिसे 100 से अधिक एमिनो अम्ल जब अपन जोड़ेंगे तो उसे अपन पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। प्रोटीन ध्यान से सुन ले, जैसे जैसे एमिनो अम्ल जुड़ते जाएंगे पूरी एक कड़ी बन जाएगी, एक लंबी चैन बन जाएगी, वही चैन अपनी क्या कहलाएगी? प्रोटीन। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? एमिनो अम्लों के। एमिनो अम्ल बहुत सारे जुड़ जाएंगे जब प्रोटीन का निर्माण होगा। ये जो अपन बिल्कुल सरल रूप जोड़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल उस डीएनए की संरचना की तरह है कि जब अपन ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ा था तो डीएनए की प्राथमिक संरचना बन रही थी, फिर अपन ने उसकी फोल्डिंग करके डीएनए की द्वितीयक संरचना बनाई थी। ठीक ऐसे ही पेप्टाइड की बिल्कुल एक सरल रेखा में अपन इनको जोड़ते जाएंगे। अल्फा एमिनो अम्ल को, अल्फा एमिनो अम्ल तो है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है एमिनो, तो अल्फा एमिनो अम्ल जब अपन जोड़ेंगे तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनेगी। जब अपन इसकी फोल्डिंग कर देंगे तो वही द्वितीयक तृतीयक चतुष्क संरचना तक बन जाएगी प्रोटीन। ठीक है, आ गया समझ में? ये होता है बेटा पेप्टाइड बंध, COOH को कहते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक है, पढ़ लेंगे थ्योरी में, कोई दिक्कत हो पूछ लेंगे। पेज नंबर देखो 310 पे दिए हुए ये पेप्टाइड वेप्टाइड सब। अब देखो इसमें एक बात लिखी हुई है ना ओलिगो, इसमें देखो ओलिगो के अंदर तुम कह रहे हो मैडम 2 से लेके 9 तक ही क्यों लिखा, जबकि अपन ने वहां पर कितने पढ़े थे? 2 से लेकर के 10 तक इकाइयां पढ़ी थी, इसमें 2 से लेकर 9 तक ही क्यों पढ़ा? ये 2 से लेकर 9 तक एमिनो अम्ल की संख्या नहीं है, ये 2 से लेकर 9 तक किसकी संख्या है? पेप्टाइड बंध की। समझ रहे हैं? ये जो विभाजन किया गया है ना कि ओलिगो पेप्टाइड पॉली एमिनो अम्ल गलत छपा हुआ है, 2 से 9 क्या होते हैं? पेप्टाइड बंध होते हैं। समझ रहे हैं? 2 से लेके 10 तक तो होंगे अपने क्या? एमिनो एमिनो अम्ल होंगे 10, जब पेप्टाइड बंध बनेंगे 9, और 9 तक जो पेप्टाइड बंध बनेंगे उनको अपन ओलिगो में रख देंगे। फिर 9 से ऊपर बंधों की संख्या होते ही किसमें आ जाएगा? वो पॉली में। पॉली में देखो संख्या लिखी हुई होगी 100 तक, लिखा हुआ है 100 तक, और 100 से ऊपर हो जाएगा ना जब क्या बन जाएगी? प्रोटीन। कम से कम 100 बंद होंगे ना वहां तक तो नाम पॉलीपेप्टाइड ही रहेगा, और 100 से ऊपर होते ही उसका नाम हो जाएगा प्रोटीन। अब एक छोटी सी चीज दी हुई है पेप्टाइडों का नामकरण, वो भी सरल। क्या कह रहा है विनोद मैम? रिएक्शन में पेप्टाइड बॉन्ड गलत बना रखा। हाँ ये मैंने देखा नहीं, देखो पेज नंबर 310 पे सही कर लो। ये OH लगा रखे ना बीच में, वो चला गया H2 में, वो कहाँ से आएगा? लाइन खींच दो उस OH के ऊपर, वो OH नहीं रहेगा, ये COOH रहेगा। ये देखो दूर बैठे बच्चे भी इतनी बढ़िया नजर से देख रहे हैं, तुम्हारी खुदी भी याद है, ये अपने घर से भी देख करके बता दिया, टाइम कर लेंगे, बताया तो नहीं ना मुझे, मुझे नहीं बताया ना, अपने आप कर लिया आपने। बोलते हैं तो सारे सही करते हैं, इससे पता चल जाता है कितना ध्यान दे रहे हो पढ़ने। हाँ भाई, आप देखो पेप्टाइडों का नामकरण सुन लो, ये भी बहुत सरल सी चीज है। पेप्टाइड के नामकरण में क्या बात गौर की तुमने? हमेशा लेफ्ट साइड में तो रहेगा एमिनो, राइट साइड में होगा अम्लीय समूह कार्बोक्सिलिक, जैसे नाम ले रहे वैसे होंगे। एमिनो नाम पहले आता है तो पहले एमिनो ही लिखा जाएगा, अम्ल समूह बाद में नाम लेते हो तो अम्लीय समूह राइट साइड में आएगा। समझ के? अब देखो नामकरण करने के लिए, जैसे देखो बुक में तुम्हारे एक उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 311 पे, पहला एमिनो अम्ल जो संरचना बना रखी उसने ग्लाइसिन बना दिया, फिर बना दिया एलेलिन, फिर बना दिया सीरीन, तो अपन इनका नामकरण के लिए मैंने 2 सिरे बना दिए। इधर जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसमें कौन सा समूह होता है? एमिनो समूह। एमिनो में क्या आती है? नाइट्रोजन, इसीलिए इसी सिरे को तो अपन बोलते हैं एन सिरा। और उधर कौन सा सिरा आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है इधर, इसको अपन बोलते हैं सी टर्मिनल, सी सिरा। तो जो नामकरण है वो एन सिरे से शुरू होगा और सी सिरे के ऊपर आकर के खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे सपोज करो बहुत सारे एमिनो अम्ल लगे हुए, जैसे शुरू में मैंने थ्रियोनिन लगा दिया,
फिर मैंने वैलिन लगा दिया, फिर मान लो मैंने ग्लाइसिन लगा दिया, फिर मैंने मिथियोनिन लगा दिया, ठीक है। तो ध्यान से सुन ले, जो शुरू में आ रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में आने वाले प्रथम तीन अक्षर लिखे रहे। जैसे मान लो ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन का पूरा ग्लाइसिन नहीं लिखेंगे नामकरण में, केवल क्या लिखेंगे, ग्लाई, समझ गए। ग्लाइसिन का ग्लाई शुरू में जो आ रहे हैं उनके नाम के केवल तीन तीन शब्द लेंगे, और जो एमिनो अम्ल अंत में आएगा उसका भी पूरा नाम लिखा जाएगा। वैलिन का वैल, ग्लाई, फिर थ्रियोनिन का थ्री, केवल थ्रियो शब्द केवल, इन मीन सब हटा देंगे, जो अनुलग्न लगा हुआ है शुरू वालों के अनुलग्न सबके हट जाएंगे, केवल लास्ट में जो होगा उसी का अनुलग्न लिखा जाएगा। ये नहीं है तो केवल सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, नहीं सोचे कि कोई परीक्षा में आने वाली चीज, ये तो तुम्हें बताने के लिए कि वास्तव में जब अपन प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन में तो 100 से भी ऊपर होंगे अमीनो, फिर अपन कैसे इतने बड़े का नाम लिखेंगे, वहां तुम्हें नाम थोड़ी लिखना है। ये ध्यान रखना है 100 अमीनो में जो एक से लेकर 99 तक आ रहा है उनका सबका अनुलग्न हट जाएगा, केवल उनके नाम का शुरू का शब्द आएगा, और लास्ट में जो 100वें नंबर पे होगा उसका पूरा नाम लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक है। जैसे अपने कई कई देखा है अपने आदमियों का जिनका नाम बहुत बड़ा होता है, वो शॉर्ट के अंदर फिर अपना नाम लिख लेते हैं, जैसे सर का नाम ले लो, पूरा नाम करमवीर सिंह बेनीवाल, ऐसे कोई तो वो क्या लिख लेते हैं, के एस बेनीवाल, मतलब शुरू के शब्दों का क्या करते हैं, केवल प्रथम अक्षर ले लेते हैं, और जो सरनेम है जो जाति है उसका पूरा नाम लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इनमें किसी टर्मिनल पे ये मान लो उसकी जाति होगी, तो सी टर्मिनल पे जो अंत में रहेगा उसका तो लिखना है पूरा नाम, जो अंत में आएगा बड़े हो चाहे हजार नंबर पे, उस अंत वाले अभिनम्र का पूरा नाम, शुरू में आने वाले सबका जो है अनुलग्न हटा करके केवल प्रथम जो अक्षर आएंगे तीन वो नाम रहेगा, समझ गए, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड, मैंने तुम्हें बताई दिया क्या होता है, 10 से लेकर के 100 तक इकाइयां होंगी पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। एन टर्मिनल से प्रारंभ होता है, सी टर्मिनल पे खत्म होता है, ये बातें सिर्फ सब यहाँ बताई गई। उसके बाद आ जाओ अपने प्रोटीन की संरचना में, यही चीज अब महत्वपूर्ण है। अभी हमने बताया प्रोटीन की प्राथमिक, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का मतलब क्या होता है, देखो यदि तुमने अभी हमने एमिनो अम्ल लिए थे, मैंने ये एक एमिनो अम्ल लिया और इसको दूसरे एमिनो अम्ल के साथ में इस तरीके से, देखो ये मैंने दूसरे एमिनो अम्ल के साथ में जोड़ दिया, थोड़ा सा यहाँ से H2 हटा कर ले, कौन से बंध से जोड़ दिया भाई, पेप्टाइड बंध से, ये देखो ये आगे भी NH रह जाएगा इसका आगे आने वाले के साथ खाली, और इधर ही आ गया तुम्हारा C, यहाँ रह गया C डबल बॉन्ड, इस तरीके से जुड़ेंगे, देखो ये है निकाली, ये रहा तुम्हारा CONH पेप्टाइड बंध। जब अल्फा एमिनो अम्ल एक सरल रेखा में पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं तो प्रोटीन की जिस संरचना का निर्माण होता है उसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। समझ में आ गई बात अच्छे से। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास एक धागा है बिल्कुल सीधा, उस धागे में मैंने मोती डालना स्टार्ट किया, ठीक है, ये धागा ले लिया, ये रहा, ये रहे मोती। तो अब देखना ये जो धागा है तुम्हारे पास, इधर तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ बना रही हूँ ऊपर देखना, ये देखो इस तरीके से, और यहाँ मोती लगा के, तो बेटा मेरी बात ध्यान से समझे, ये मोती तो तुम्हारे क्या है, एमिनो अम्ल है, और ये धागा तुम्हारा क्या है, पेप्टाइड बंध है, धागा वो मोतियों को बांधने का काम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एमिनो अम्लों को बांधने का काम पेप्टाइड बंध करता है। ये है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब मैंने उस धागे को पकड़ा और कुछ क्या कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया, उसकी कॉइलिंग कर दी, कुछ घुमा दिया उसको, देखना अब घुमाने के भी दो तरीके हैं, जब हम घुमाएंगे तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनेगी। घुमाने के दो तरीके का मतलब, एक तो मैंने उसको हेलिक्स के रूप में घुमाया, एक तो मैंने उसको इस रूप में घुमाया, देखो ऐसे, समझ में आ गई, ये देखो ये धागा, तो उसे अपन बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। जब आप उसको हेलिक्स के रूप में घुमाओगे, हेलिक्स बोलते हैं सर्कुलर, तो उसे अपन बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। यदि तुम इसे हेलिक्स के रूप में ना घुमा करके तुमने इसको कुछ इस तरीके से रख दिया इस धागे को, देखो ऐसे प्लेटो के रूप में, समझ रहे हैं बात, इस तरीके से बना दिया मैंने इन धागों को, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसे अपन बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट, प्लेट की तरह जमा दिया इसे, तो बीटा प्लेटेड शीट,
ठीक है, दो प्रकार की संरचना। अब इनमें अंतर क्या है, अंतर देखना, जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, ये चीजें समझ जाओगे ना पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में केवल और केवल एक ही बंध होता है, वो होता है पेप्टाइड बंध। दिख रहा है ना, ये रहा पेप्टाइड बंध, क्योंकि वो सीधे एमिनो अम्ल जुड़ते हैं एक दूसरे से। जब तुम इसको घुमाते हो तो जैसे इस रूप में घुमाया, तो ये पेप्टाइड बंध एक दूसरे के क्या होंगे, और पास आ जाएंगे, घुमाने से और धागा खिंच जाएगा, बिल्कुल पास आ जाएगा। देखो यही होता है पेप्टाइड बंध, सी डबल बॉन्ड हो और क्या है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, एन एच। फिर दूसरी इकाई आएगी आगे आने वाली, उसका आएगा सी डबल बॉन्ड हो, फिर नीचे क्या आ गया, एन एच आ गए। तो देखो ऊपर आने वाले कार्बन का ये जो ऑक्सीजन है, वो पहले आने वाली हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा बेटा, हाइड्रोजन बंध बना देगा। क्या होता है हाइड्रोजन बंध, एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला बंध, ये देखो ये बन गया, समझ गए। फिर नीचे आएगा तुम्हारे तीसरी इकाई का कोई सी डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ आ गया तुम्हारे पास क्या, एन एच, ये देखो ये हाइड्रोजन बंध बन गया, समझ गए। तो प्राथमिक में तो केवल पेप्टाइड बंध ही था, परंतु द्वितीयक संरचना में पेप्टाइड के साथ साथ एक नया बंध और बन गया, हाइड्रोजन बंध। आ गई बात ढंग से समझ में, वो चाहे तुम ये हेलिक्स बनाओ चाहे प्लेटेड बनाओ, बनाने का तरीका अलग है, फोल्ड करने का तरीका अलग है, बंध का तरीका अलग है। बंध तो इसमें भी वही सी डबल बॉन्ड हो एन एच, फिर दूसरी इकाई आएगा सी डबल बॉन्ड हो एन एच, ये देखो ये हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, समझ में आ गई बात। और इसमें ये नहीं है कि मैडम बहुत डिफिकल्ट तरीके से बनाए, हम कैसे बनाए, तुम्हें जहाँ दिखता है केवल हेलिक्स बनाओ, हेलिक्स बना के सी डबल बॉन्ड हो एन एच लगाओ, और इस सी डबल बॉन्ड हो एन एच लगा करके दूसरी इकाई का, पहली इकाई का यदि हाइड्रोजन है तो दूसरी इकाई का ऑक्सीजन सामने बना, ताकि उनके मध्य क्या बन जाए, हाइड्रोजन बन। देखो पेज नंबर आपके 312 पे, ये देखो ऐसे अंगूठा लगा के घुमा के भी दिखा रहा है, ये ऐसे घुमाया मैंने इसको हेलिक्स में, ऐसे घुमाया, समझ रहे हैं। ये तो तुम्हारे बनी है तो थोड़ी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में, और वो 312 पेज पे देख रहे हो ना, ये सारा मिक्स सा दिख रहा है सब कुछ, उसको ऐसे नहीं, उसको ऐसे बनाना है, बनाई हुई डिजाइन यही है, बस उसने इस डिजाइन की जगह CONS लगा दी, जब तुम्हें वो समझ में नहीं आई, उसको इस रूप में बनाना है, एग्जाम में भी आएगा ये चीज, बना के फिर CONS लगा देना, समझ गए ढंग से, दिक्कत है किसी को कोई, इसी रूप में बनाना, सर ने बनवाया होगा वैसे तुम्हें नोट दिए होंगे, बस तुम्हें क्या समस्या आएगी, ठीक है। ये हो गई बेटा प्रोटीन की कौन सी संरचना, द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना दोबारा सुन ले, दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। यदि हेलिक्स के रूप में घुमा दे तो पेप्टाइड बंध के साथ साथ हाइड्रोजन बंध का भी निर्माण होगा। ये हेलिक्स जैसे अपने बालों में जो पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन होती है बालों में, हैं नाम ही नहीं सुने हुए, बालों में नाखून में कौन सी प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। और अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, ये देखिए आंसर तेरा केराटिन प्रोटीन, कितना फटाफट डूब मरो तुम, विनोद कुमार 12th बायो अलर्ट रहता है बिल्कुल आंसर देने के लिए, केराटिन प्रोटीन। और अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, कुछ नहीं, आमिनो कौन सी प्रोटीन होती है अंडे में, एल्बुमिन, नाम नहीं सुना हुआ एल्बुमिन प्रोटीन, नहीं जानते, मैथ वालों को तो जैसे ऐसे लगता है आश्चर्यजनक कोई बात नहीं, ठीक है ध्यान दो, अंडे में नाखून में केराटिन, बाल में और नाखून में होती है केराटिन प्रोटीन, और जो बाल में पाई जाने वाली प्रोटीन है ना उसकी संरचना हेलिक्स के रूप में ही होती है, अल्फा हेलिक्स के रूप में, समझ गए। चलते हैं अभी अपन अपने धागे पे, पहले तो धागा ऐसा था तो संरचना कैसी थी, प्राथमिक। जब मैंने इसको घुमाया दो तरीके से, ये देखो इसमें और इस रूप में संरचना कैसी बनी, द्वितीयक। अभी द्वितीयक को और घुमाना है, ये देख रहे हो इस द्वितीयक संरचना का यदि और अधिक वलन कर दिया जाए, और फोल्डिंग कर दो धागे और पास पास कर दो समूहों को, तो ध्यान देंगे प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण होगा। प्राथमिक का वलन करोगे तो द्वितीयक बनेगी, द्वितीयक का वलन करने पर तृतीयक, उस तृतीयक में और ज्यादा समूह पास आ जाएंगे तो बंधों की संख्या और ज्यादा होगी। कौन कौन से बंध,
पहला पेप्टाइड तो था ही, हाइड्रोजन बंद में था। दूसरा ध्यान दे, ध्रुवतायन में होती है, अपन ने पढ़ा था ट्विटर आयन, तो ध्रुवीय बंध बन जाएंगे। वांडरवाल और आकर्षित होने की वजह से एक दूसरे समूह पास आने की वजह से दुर्बल वांडरवाल बन गए। जो तुम पढ़ रहे हो ना ध्रुवीय बंध बनना, तो वो ध्रुवीय बंध बने इनकी ध्रुवता की वजह से। मान लो कोई ऐसा समूह जिसमें सल्फर उपस्थित हो, कोई ऐसे एमिनो जिनमें सल्फर हो, उनसे डाई सल्फाइड बॉन्ड भी बने। समझ गए? डाई सल्फाइड बॉन्ड, ध्रुवीय बंध, हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, ये सारे बंध, दुर्बल वांडरवाल बंध, इन बंधों की सबकी सब बंधों का निर्माण प्रोटीन की तृतीयक संरचना में होता है। अब देखो किस तरीके की बनेगी वो तुम्हें मैं बताती हूँ। ये बॉन्डिंग देख रहे हो, इससे कुछ नजदीक दिखनी चाहिए तुम्हें बॉन्डिंग। ये देखो ऐसे, इसमें इसमें फर्क नजर आ रहा है क्या? कुछ इससे और ज्यादा बॉन्डिंग दिख रही है, इसकी और ज्यादा वलन कर दिया आपने, तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनेगी। यदि तृतीयक का और ज्यादा वलन कर दे, इतना अधिक उसको घुमा दे अपन, उलझा दे कि अब आगे उसका वलन करने की गुंजाइश नहीं। समझ में आ रही है बात? इतना अधिक उसको फोल्ड कर दो, बिल्कुल ऐसे तोड़ मरोड़ दो कि अब आगे हमें दिखे ही नहीं कि और ज्यादा फोल्ड हो सके। बिल्कुल कुछ इस तरीके से देखो, तो बनती है प्रोटीन की क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, चतुष्क संरचना बोलते हैं इसको प्रोटीन की। समझ में आ रही है बात ढंग से? तो चतुष्क संरचना है वो प्रोटीन की। अब ध्यान दो, अब अपन क्या करेंगे? देखो ये इनके डायग्राम नहीं बने हुए तुम्हारे तृतीयक के चतुष्क, थ्योरी लिखी हुई है पर भूल कि द्वितीयक का यदि फलन कर दिया तृतीयक और तृतीयक, ये संरचना बहुत कम पाई जाती है चतुष्क। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि इसका वलन इतना ज्यादा है कि यदि तापमान में या पीएच में थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे ना, ये टूट जाएगा। कई बार रस्सी बहुत ज्यादा उलझ जाती है ना, उसकी टूटने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। तो ध्यान दो, इसलिए ये चतुष्क संरचना बहुत कम पाई जाएगी। आगे सारे बात समझ में? अब अपन पढ़ेंगे, ध्यान दो, अब अपना आएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पहले देख लो बुक में कोई समस्या है तो, पेज नंबर 312 भी तृतीयक चतुष्क की सारी थ्योरी लिखी हुई है। अब नेक्स्ट अपना आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है बेटा प्रोटीन का विकृतीकरण। अभी तो अपन ने प्रोटीन बनाई हाँ बेटा, अल्फा हेलिक्स, अपन फोल्डिंग जो कर रहे हैं ना प्लेन की नहीं कर रहे, अपन अल्फा हेलिक्स ही कर रहे हैं। जो हेलिक्स हमने बनाई थी ना, उसी को और ज्यादा फोल्ड कर दिया तृतीयक, फिर तृतीयक की और ज्यादा फोल्डिंग कर दी चतुष्क। नहीं तो प्लेट की थोड़ी ना फोल्डिंग होगी, प्लेट को पहले तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा हेलिक्स, फिर हेलिक्स को आप तृतीयक में चतुष्क में बदलो। ध्यान से सुनिए, प्रोटीन का विकृतीकरण, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो। विकृतीकरण क्या हुआ ध्यान देंगे? यदि प्रोटीन के पीएच में या तापमान, यदि अपन टेम्परेचर में या पीएच में परिवर्तन करते हैं, तो प्रोटीन अपने जैविक लक्षण खो देती है, मतलब ये प्रोटीन टूट जाएगी, विकृत हो जाएगी। प्रोटीन के पीएच में या तापमान में, या तो अपन इसको टेम्परेचर दें, इसकी पीएच को बदल दे, तो प्रोटीन अपने जैविक लक्षण खो देगी, मतलब इसकी संरचना विकृत हो जाएगी। इसे ही अपन प्रोटीन का क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। आ रही बात ढंग से समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अंडे को पालते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन होती है अंडे में, तो येलो फोड़ के देखते हैं तो येलो कलर का योग जो निकलता है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन होती है। यदि अपन अंडे को बॉइल करते हैं, उबालते हैं, तो अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी, उसका व्हाइट कलर होता है ना अंडे का, नष्ट हो जाता है, कारण एल्बुमिन प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गई। इसीलिए तो बोलते हैं बहुत ज्यादा जो पत्तेदार है, पत्तेदार सब्जी बॉइल जितना ज्यादा करते हैं ना अपन, उतना ज्यादा उनका प्रोटीन नष्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और एक बात ध्यान से सुन, ये प्रश्न आया हुआ है इसमें से एक नंबर का बोर्ड में कि अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी नष्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित एल्बुमिन प्रोटीन क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और प्रोटीन नष्ट होने के बाद में उसके लक्षण क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? ध्यान, इसमें उदाहरण दिया हुआ है, तुम देखो बुक में दिया हुआ है, अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी का नष्ट होना दिख गया। पेज नंबर देख कितने पे, 313 के ऊपर देखो बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनो, बताओ प्रोटीन का विकृतीकरण करने पर सबसे पहले कौन सी संरचना नष्ट होगी? ये चतुष्क,
मैंने बताया था जो जितनी ज्यादा ऊंची होगी ना वही नष्ट, ये तृतीय ये द्वितीय। परंतु हमेशा ध्यान रखें प्राथमिक संरचना का कुछ भी नहीं बिगड़ता यदि तुमने पीएच में परिवर्तन किया या टेम्परेचर। प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहेगी हमेशा। क्यों रहेगी अप्रभावित? क्योंकि ये टूटेगी थोड़ी, ये तो बिल्कुल सीधी रेखा में, इसमें तो केवल एक ही बंद है, कौन सा? पेप्टाइड बंद। यदि तुमने उस पेप्टाइड बंद को तोड़ दिया तो दोनों एमिनो अम्ल अलग अलग हो जाएंगे, समझ में आई बात? जैसे पीएच कम होगी वो वापस जुड़ जाएगी। लेकिन ये उलझी हुई रस्सी यदि एक बार टूट गई तो दोबारा तोड़ सकते हो क्या उसको? नहीं तोड़ सकते। मतलब इनका प्रोटीन यदि एक बार विकृत हो गया, नष्ट हो गया, दोबारा नहीं जुड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पीएच में परिवर्तन करने से या तापमान में परिवर्तन करने से अप्रभावित रहती है। आगे बात अच्छे से समझ में, क्यों अप्रभावित रहती है? क्योंकि ये सरल रेखा में बनने वाला केवल पेप्टाइड बनता है, जिसका केवल और केवल बंध हट जाएगा और बंध हटते ही टूटेंगे नहीं। ठीक है, समझ गए? ये बेटा आज अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। क्या क्या कंप्लीट हो गए देखो, ध्यान दो। एक दूध का स्कंदन भी उदाहरण दिया हुआ है। स्कंदन का मतलब होता है दूध का जमना। दूध से जब दही बन जाता है ना तो वो भी प्रोटीन का विकृतीकरण। समझ में आ रही है बात? ढंग से दूध से दही बनना वो भी प्रोटीन का विकृतीकरण ही होता है। क्यों? दही से दोबारा दूध बन सकता है क्या? तो इसका मतलब प्रोटीन क्या हो चुकी है? विकृत हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है उसकी प्रोटीन, दोबारा उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इररिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया। समझ गए? ठीक है, जिसको आप दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। अंडे को उबालने पर यदि उसकी सफेदी नष्ट हो गई, दोबारा आप उसको पता वापस उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये दो टॉपिक आज पूरे हो गए। एमिनो अम्ल भी हो गया है, प्रोटीन भी पूरा हो गया। इसके अलावा और ध्यान दो बेटा, ये आगे पीछे दिए हुए बुक में तुम्हारे, इससे पहले मैं बता दूं तुम्हें पेज नंबर, उसमें तुम प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ना। उसमें प्रोटीन का वर्गीकरण भी दिया हुआ है, संयुग्मन प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, वो देखो मैं तुम्हें बता दूं। ये आगे पीछे है बुक में आपके, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 307 पे। देखो पेज नंबर 307, इसका आधा भाग वहां दिया हुआ है, परिभाषा वगैरह सब वहां दी हुई है कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन, प्रोटीन एक ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से बना हुआ है। प्रोटियस शब्द से आया है प्रोटीन, और उस प्रोटियस का मतलब क्या होता है? प्रोटियस का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण या प्राथमिक। हमारे शरीर की सबसे आवश्यक जो कड़ी होती है ना वो होती है प्रोटीन। क्या कार्य होता है प्रोटीन का ऐसा जो सबसे आवश्यक होता है? अभी तक तुमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, न्यूक्लिक अम्ल जैविक लक्षण जो अपने आनुवंशिक लक्षण है उसको पहुंचाता है। तो इन दोनों के बिना तो काम भी कुछ दिनों के लिए चल सकता है, इसके बिना नहीं चल सकता। इसीलिए इसे ग्रीक भाषा में प्रोटियस मतलब अति महत्वपूर्ण बोलते हैं। ये हमारे शरीर का डॉक्टर है एक तरीके से। कैसे बताओ क्या कार्य होता है प्रोटीन का? बायो वाले नहीं जानते प्रोटीन क्या कार्य करती है। शरीर की जो मृत कोशिकाएं होती है उनके मरम्मत का कार्य होता है प्रोटीन का। हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं का समुच्चय जिसे अपन कहते हैं उत्तक, बड़ा हुआ टिश्यू, तो उन टिश्यू से बनते ऑर्गन अंग बनते, तो उन अंगों का विकास ध्यान रखना। उनकी कोई मान लो जैसे तुम्हारे कहीं चोट वोट लग गई, तो उस चोट लगने पर जहाँ की उस एरिया की उस भाग की जो कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी, छिल जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, तो उनको मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन करती है। जैसे कई बार देखते हो किसी को चोट लग जाती है दो दिन बाद बिल्कुल सही, और कईयों को देखते हो घाव हो जाता है एक महीने तक सही नहीं होता। मतलब है कि जिसके सही होगा, जिसकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, वो जल्दी रिकवर करेगा। जिसमें प्रोटीन नहीं है वो आराम से एक महीने तक रिकवर करेगा। समझ में आ रही बात? तो प्रोटीन हमारे शरीर का मरम्मत का जो कार्य है वो प्रोटीन का होता है। समझ गए? तो अब इसमें एक छोटा सा वर्गीकरण भी दिया है जो तुम्हें मैंने बताई है, सब लिखा हुआ है इसमें। प्रोटीन का संगठन वंगठन सब बता दिया कि किससे बनती है प्रोटीन। देखो एरो लगा के लिखा हुआ है कि यदि मैं प्रोटीन का जल अपघटन करवाऊं, पहले एमिनो अम्ल में से तुम जलकणों बाहर निकाल गए, अब दोबारा छोड़ दो जलकण, तो प्रोटीन का जल अपघटन करवाने पर क्या बनेंगे? वापस एमिनो अम्ल बन जाएंगे, वापस H2O दे दो उनको, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल था वो अपना OH ले जाएगा,
एमिनोम्ल एच ले जाएगा तो दोबारा क्या बन जाएंगे एमिनोम्ल। समझ में आ गया एमिनोम्ल कहाँ से बने? पहले बने पेप्टाइड। क्यों बने पेप्टाइड? क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि 100 से ऊपर जब अपन एमिनोम्ल लेंगे पेप्टाइड बंद लेंगे जब बनेगा आपका प्रोटीन तो सबसे पहले जल अपघटन से पेप्टाइड बनेंगे अलग अलग खुल जाएंगे पेप्टाइड से क्या बन जाएंगे एमिनोम्ल। तो इस बात से ही पता चल जाता है कि प्रोटीन का संगठन रासायनिक संगठन क्या होता है प्रोटीन का रासायनिक संगठन एमिनोम्ल होते हैं एमिनोम्ल से बनती है प्रोटीन। ठीक है समझ में आ गई बात अच्छे से। ठीक है अब ये जो नेक्स्ट ये दिया हुआ है वर्गीकरण वर्गीकरण में ध्यान दो प्रोटीन के प्रकार आपको दिए हुए संगठन के आधार पे संगठन के आधार में देखो रेशेदार प्रोटीन दानेदार जैसा नाम है ना वैसे इनकी रेशे का मीनिंग इनकी संरचना रेखीय होगी वो पढ़ी थी ना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना ठीक वैसा ही है रेखीय बिल्कुल रेशे के रूप में होगी फाइबर्स के रूप ठीक है फाइबर होते ना धागे धागे नुमा होती है इसकी संरचना और ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन